वेलकम टू बेक। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में। सिंध पुलिस एंड ट्यू के हवाले से आज हमारा लेक्चर वन है एसे राइटिंग। उस लेक्चर में आज हम सीखेंगे एसे किस तरीके से लिखा जाता है और एसे किस फॉर्मेट में लिखी, इंग्लिश, उर्दू और सिंधी, तीनों मीडियम में। हमारे पास जो है कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के हवाले से एसे है, हम उन पर डिस्कस करेंगे और ये चीज आपको अच्छे से तरीके से जो है जहन में बिठानी चाहिए। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं, मगर एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मुकम्मल तैयारी कर सकें सिंध पुलिस इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि जल्दी से जो है इनके इंटरव्यू होने वाले हैं। तो फर्स्ट फेज हमारे पास है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, इट्स मींस द कायदे आजम मोहम्मद अली जिना। ठीक है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के नाम से अगर ऐसे आए या कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के नाम से ऐसे आए तो आपको क्या करना है, यही ऐसे लिखना है। अब देखें इंग्लिश में, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऐसे देखते हैं इंग्लिश में। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना जो है 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए थे, इज नोन एज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जो कि बानी तौर पर पहचाना जाता है पाकिस्तान का। ये देख ले, ठीक नमूने से लिखकर आप जो है इसको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 200 वर्ड का या 300 वर्ड का आपका ऐसे आ जाए तो ठीक है, यही सेम टू सेम ये लिख देना। ठीक है, अभी ये और भी है, आगे भी है, क्योंकि लेंथी करके रखा हुआ, अगर वो 500 वर्ड का आपको दे दे तो उसके हवाले से हमने जो सारा इंफॉर्मेशन दी हुई है। He was a brilliant lawyer and political and leaders who played a vital role in the creation of separate homeland for Muslims in the Indian subcontinent. Jinnah started his political career with the Indian National Congress but later joined the All India Muslim League. ये सारे जो है उर्दू में ट्रांसलेशंस है, उर्दू में जो है हमने कन्वर्ट किया हुआ है, वो हमारे पास अवेलेबल है, वो दिखा देते हैं। ठीक है, फिलहाल आप जो है इंग्लिश पर तवज्जा दें कि किस तरीके से जो है प्रोनाउंसिएशन ली जाती है। ठीक है, जिन्ना स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट लेटर ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जिन्ना ने जो अपना जो शुरुआत की थी पॉलिटिकल करियर में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ की थी, मगर बाद में 1913 में इसने ज्वाइन किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ही बिलीव दैट द मुस्लिम्स नीड अ सेपरेट नेशंस वेयर दे कुड फ्रीली प्रैक्टिस देयर रिलीजन। वो यकीन रखता था कायदे आजम मोहम्मद अली जिना कि ये जो लोग हैं जो मुसलमान हैं उनको एक अलग सूबे, अलग जो है मुल्क की जरूरत है। ठीक है, ताकि वो अपने आजादी से जो है अपने रस्म रवाज को जो है बेहतर नमूने से, जो रिलीजियस है उनको बेहतर नमूने से कर सके। कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल हैज लीडरशिप्स विजन एंड डिटर्मिनेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान ऑन अगस्त 14, 1947। इसका जो विजन था और लीडरशिप थी और डिटर्मिनेशन की वजह से इसने जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद करवाया। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसके साथ ही सारे, ठीक है, ये फेज इसके साथ ही है। अगर आपको ऐसे 500 वर्ड का लिखना हो, 600 वर्ड का लिखना हो तो उस हवाले से, ठीक है, अब ये कंप्लीट है। अगर लेट सपोज करते हैं अगर आपको ये चीज भूल जाते हो, ठीक है, तो आप जो है ये चीज जहन में होगी तो आप ये भी लिख लोगे। ठीक है, जिन्ना फेमस टू नेशन थ्योरीज emphasize that the Muslims and Hindu were two different, two distinct nation with a different religion. जिना की जो मशहूर दो कौमी नजरिया, वो वाज़े तौर पर जाये है कि मुस्लिम्स और हिंदू एक अलग अलग जो है कौमे हैं। ठीक है, different religions and customs and ways of life, उनकी जो जिंदगी जो है तरीकाकार है वो एक डिफरेंट है, वो अपने हिसाब से जो है जिंदगी गुजारते हैं हिंदू और मुस्लिम अपने हिसाब से। ठीक है, ही वर्क ट्रायलेसली टू अचीव द ड्रीम ऑफ पाकिस्तान। इसने जो है बहुत सारा जो है काम किया इस पर, और इसका एक ख्वाब था कि पाकिस्तान को अचीव किया जाए।
And despite the facing numerous challenges, he never gave up. इसने कभी हार नहीं मानी. Is the Pakistan's first Governor General Qaiz Azam Muhammad Ali Jinnah laid the foundation for a democratic and just state. He promoted unity. He promoted unity, discipline, and faith as the core principle for the new nation. His speeches and vision continue to inspire the generation of Pakistan. Last phase iska jo hai, third one. Qaiz Azam passed away on September 11, 1948, but his legacy lives on as the father of nations. Qaiz Azam ki jo wafat hai wo 11 September 1948 mein aayi, magar abhi bhi jo hai isko jo hai founder of nation bhi kaha jata hai. Has he is remembered with the great respect and admiration for his dedication, wisdom and leadership in shaping Pakistan. Qaiz Azam ek bade yogdan the, unhone ek bada jo hai karnama kiya apne qoum ke liye, jo 14 agast 1947 ko zahir hua duniya ke nakshon par Pakistan. तो आइए अब जो है स्टार्ट करते हैं उर्दू मीडियम में. जो उर्दू मीडियम के हैं आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और सिंधी में भी इसे लिख सकते हैं. कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए और उन्हें पाकिस्तान के बानी के तौर पर जाना जाता है. वो एक ज़ैनी वकील और सियासतदान और रहनुमा थे जिन्होंने बड़े जगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की कयाम में अहम किरदार अदा किया. जिन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज इंडियन नेशनल कांग्रेस से किया लेकिन बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुए 1913 में. ये बात ध्यान में रखना ठीक है. उनका मानना था कि मुसलमानों को एक अलीहदा कौम की जरूरत है जहां वो अपनी मजहब सकाफत और रवायत के मुताबिक आजदाना तौर पर जिंदगी गुजार सके. उनकी कयादत विजन और अजम ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की कयाम की राह हमवार की. जिन्ना का मशहूर दो कौमी नजरिया ये था कि मुसलमान और हिंदू तो मुख्तलिफ कौमें हैं जिनकी मजहब रस्मात और जिंदगी गुजारने के तरीके मुख्तलिफ हैं. उन्होंने पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए इतने तक मेहनत की और बेशुमार मुश्किलात का सामना करने के बावजूद कभी भी हार नहीं मानी. पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक जमहूरी और एक इंसाफ पर मुबनी रियासत की बुनियाद रखी. उन्होंने इत्तेहाद तंजीम और ईमान को नए मुल्क के लिए बुनियाद असूल की तौर पर फरोग दिया. उनकी तकरीरें और विजन आज भी पाकिस्तानियों के कई नस्लों को मुतासर करते हैं. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर 1947 को वफात पा गए लेकिन उनकी मीरास आज भी जिंदा है और उन्हें कौमों के बाप के तौर पर इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ याद किया जाता है. पाकिस्तान की तश्कील में उनकी जदोजहद हुकूमत हिम्मत और कयादत बहादुरी लीडरशिप को हमेशा सराहा जाता जाएगा. ये जो है ऐसे था जो हमने आपको इंग्लिश उर्दू दोनों मीडियम में जो है सिखाया. अब जो है नेक्स्ट जो है वो सिंधी मीडियम में आपको सिखाएंगे ठीक है. जो सिंधी में लिखना चाहता है वो सिंधी में लिखे, जो उर्दू में लिखना चाहे वो उर्दू में, जो इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में. मगर मैं आपको प्रीफर ये करता हूँ कि आप इंग्लिश में लिखें तो बेहतर है, ज्यादा है, क्योंकि आपकी जो है एक तो एटीट्यूड और आपकी जो है एडुकेट पर जो है ज्यादा तासर होगी. हो सकता है क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा है.
ठीक है, वो फोकस करेंगे कि आपको जो है इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी जो है एजुकेशन उस लेवल पर उसको पहचाना जाएगा, इसकी जो है एजुकेशन वेल है क्योंकि वो इंग्लिश में लिख सकता है, तो मैं प्रीफर आपको ये करूँगा। अगर आपको नहीं आता इंग्लिश में लिखना तो आप चाहे उर्दू उर्दू में लिख लें, ठीक है, उर्दू में लिखें क्योंकि कौमी जो है लैंग्वेजेस हैं, उर्दू है हमारी, ठीक है, तो ये बेहतर रहेगा। और अगर सिंधी में लिखना चाहे, अगर आपको उर्दू भी नहीं आ रही है सिंधी में लिखना चाहे तो सिंधी में लिखें, मगर कोशिश करें कि एक्यूरेट लिखें और सही लिखें, ठीक है। तीनों लैंग्वेजों में से जो भी आपको जो आ रहा है, जो अच्छी लैंग्वेज आपकी है उनमें लिख लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट ऐसे के लिए तैयार रहें और वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी वीडियो को लाइक और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी।